कुंभ मेला में दुकानदारों द्वारा बहुत ही मनोयोग से 3600 रुपए प्रति व्यक्ति दुकान ली गई थी और उसके बाद टेंट इत्यादि लगाकर के दुकान सजाई, लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र में जिस स्थान पर दुकानों का आवंटन किया गया है वहां पर कोई ग्राहक तक नहीं आ रहा है। हालात यह है कि दुकानदार पूरी तरह से निराश हैं। आइए जानते हैं दुकानदारों की स्थिति। वृंदावन कुंभ को लेकर के लॉकडाउन के बाद व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी थी कि उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। कुंभ को लेकर के कई लोगों ने अपनी दुकान सरकारी रेट पर 3600 रुपए में बुक कराई। हमारे साथ वो दुकानदार हैं जो यहाँ पर दुकान लेने के लिए अपने सब कुछ दस्तावेज जमा कर चुके हैं, इसके साथ साथ पैसा भी जमा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है क्योंकि गेट दोनों ओर हैं लेकिन जो पिछवाड़े हैं आश्रमों के वो टीट ठुकी हुई है। यहाँ पर पब्लिक का आना जाना कतई नहीं है। इन दुकानदारों को नहीं लगता कि यहाँ पर इनका 3600 रुपए का जो भाड़ा उन्होंने जमा किया वो भी निकलेगा। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। क्या परेशानी है? ग्राहक ही नहीं है यहाँ पर। किसकी दुकान है तुम्हारी? हमारी कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक की? कब से दुकान लगाई आपने? 16 तारीख से। मथुरा जिले से हूँ, सदर थाना लगता है हमारा कोतवाली। मैंने कम से कम 30 से 45 हजार का कर्जा लेके ये दुकान खोली, 3600 का DD जमा किया, बिल का बिल डेली हमारा कट रहा है, हमारा ऊपर से लाइट भी सब लगी है हमारी, टोटल हमारा 35 हजार का खर्चा हुआ है। ये सोच के खर्चा किया हमने कि लॉकडाउन के बाद हमारा थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। इस कम कुंभ के मारे इनका मैनेजमेंट इतना खराब है, इनने एक गेट वहाँ बना दिया जमुना जी पे लोगों को ले जाने के लिए, एक गेट वहाँ बना दिया जो लोगों के ले जाने के लिए। सारे मेले वालों से जब दुकान वालों से इनने एक जैसे रुपए दिए, हमें कोने में क्यों छोड़ दिया है? वहाँ से अगर किसी से बात करने जाऊँ वहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है, भगा देते हैं, ऐसे भगा देते हैं जैसे देश के नागरिक ही नहीं है, हम पड़ोसी देश से आ गए। अब ये बताओ हमारी कौन सुनेगा? हमारा कर्जा तो रुक गया, मैं तो 30-40 हजार से कर्जे में आ गया, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ एक रुपये में कमा पाऊंगा। बस डेली ये सोचता हूँ, अब देखो जी हाथ में मेरे मजीरा लग रहा है, अभी मैंने बगल वाले बाबा से मजीरा खरीद लिया, क्यों मेरे पे और कोई काम नहीं है, अब मैं इनकी भागवत सुन सुन के मजीरा बजा रहा हूँ। और जितने भी ये पंडाल लग रहे हैं सबों का पिछवाड़ा सेट कर दिया, अगर ये इधर मुँह कर दे तो कुछ नहीं, तो भंडारे खाने वाले हमारी दुकानों पे आते, कुछ तो खा के जाते, ढोल के जाते, या कुत्ते नहीं भौंक रहे इस गली में। अब बताओ क्या करे आदमी, गरीब आदमी। सर मेरा नाम राम बघेल ब्रजवासी है, मैं थाना माट पड़ता है मेरा, और मेरा ड्राफ्ट भी जमा है और मेरी जगह दूसरों को दुकान आवंटन कर दी गई, मुझे 3 दुकान भी नहीं दी जा रही है और मेरा ड्राफ्ट ऐसा कि उसका मैंने 3600 रुपये जमा किए, मुझे अभी तक दुकान ही नहीं मिली और मेरी जगह दूसरी लेडीज़ को दुकान दे दी गई है। तो अब दुकान चल रही है, दुकान में क्या करोगे बताएं? दुकान चल भी नहीं रही है, कहीं दूसरी जगह दें या हमारा पैसा वापस करें, कुछ तो रास्ता होता है। अधिकारी के पास अब जाते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी के पास जाते हैं। सर जी अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बजे तक तो अभी अधिकारी आए नहीं, उसके बाद आएंगे, क्या फैसला लेंगे कोई पता नहीं है। चाहते हैं तो फटकार के भगा देते, कोई सुनता नहीं। आज आपकी दुकान है क्या? हाँ जी। किस चीज़ की दुकान है? अच्छा मदर डेयरी। आप तुम्हें दूध बेचते हैं? हाँ जी। किराए की दुकान है? दूध हम जितना ही ला रहे हैं ज़्यादा ला नहीं रहे, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो खा रहे हैं, स्टोक काम कर सकते हैं। लाइट तो दे रहे हैं लेकिन 672 रुपये ले रहे हैं। तो 672 रुपये आप भी देखो यहाँ पे कहाँ 672 रुपये वसूल होगी। यही हम कहना चाहते हैं। और क्या आपकी दुकान है? किस चीज़ की दुकान है? क्या नाम है? नाश्ते पानी। क्या नाम है? सेवा आपको यहाँ पर काम प्रशासन से यही चाहते हैं, या तो हमें कुछ सुविधा दें या दुकान चेंज कराएं, नहीं तो फिर भैया हमारा भाड़ा ये थे वो स्थानीय दुकानदार कुंभ के, जिन्होंने 3600 रुपये जमा करके यहाँ पर दुकानें ली हैं और बिजली से ले पाए क्योंकि 672 रुपये उन्हें बहुत अत्यधिक लग रहा है। हालांकि विद्युत विभाग द्वारा ये सुविधा दी गई है कि 3 दुकानदार एक विद्युत बिल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही है तो आखिरकार 100 रुपये निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इन दुकानदारों की रोजी रोटी कुंभ के मेले पर आधारित है, यदि हो सके संभवतः तो इनको कुछ रियायत दी जाए या फिर इनके स्थान चेंज किया जाए। अपने साथ अरुण यादव के साथ रवि यादव।